भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2019 में भी आप लोगों ने हमारा प्रत्याशी गौतम गंभीर जी को 3 लाख से ज्यादा वोट से जिताया है और इस बार तो आगे का रिकॉर्ड भी तोड़ना है कि नहीं, नया रिकॉर्ड बनाना है। तब तो राम मंदिर बना नहीं था, अभी तो राम मंदिर भी बन गया, तो हमारे वोटे भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा ही बात आप लोगों को बताऊंगा, चुनाव का सार सरण हो चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा ये भी कंफर्म है। हमारे कांग्रेस का भाइयों लोग जो मिलता हो, हम लोग को बीच बीच में पूछते रहता है, भाई 700 सीट तुम्हें क्यों चाहिए? तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करता है मेरा दिमाग में आया नहीं था, किस लिए? अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 700 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 700 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, तब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा, भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को ये बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका सरसा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहा है पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है, मोदी जी को 700 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा, शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 700 सीट क्यों चाहिए, अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। आरक्षण का मामला उठाता है, हमारा संविधान में जब डिबेट हुआ था आरक्षण का बारे में, तब वहां में कोई आरएसएस नहीं था, हमारा संविधान सभा में ना तो बीजेपी था, ना तो जनसंघ था, ना तो आरएसएस था, लेकिन संविधान सभा में यह निर्णय हुआ था कि हमारा देश में जो भी रिजर्वेशन होगा जाति का आधार में होगा, धर्म का आधार में कभी नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि आरक्षण एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है, आप धर्म का आधार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे, आपको देने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी नहीं आते हैं, ये कांग्रेसी लोग धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी धर्म का आधार करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें एसटी रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, कभी धर्म का आधार में देश में रिजर्वेशन होना संभव नहीं है। इसीलिए हमें 700 सीट चाहिए कि धर्म का आधार में रिजर्वेशन देने का कोई सोचना भी बंद कर दे। भाइयों और बहनों,
दिल्ली का एक, मैंने जब दिल्ली में आता हूं तो एक ही बात, दिल्ली का जो पहले परिसर था, हमारा लाल किले होते थे, प्रेसिडेंट हाउस होते थे, बहुत सारे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, हम लोग को बचपन में सिखाया जाते थे कि दिल्ली जाते हो तो ये सब देख के आना। अभी दिल्ली में सिखाया जाता है कि दिल्ली आने से मोहल्ला क्लिनिक देख के आओ। तो हमने भी एक बार मोहल्ला क्लिनिक देखने गया। देखने का बाद मेरा यही मन में क्वेश्चन आया कि अगर दिल्ली का आइडेंटिटी मोहल्ला क्लिनिक होते हैं तो हमारा देश का प्रेस्टीज कहाँ रहेगा। दिल्ली का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दिल्ली का आइडेंटिटी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है, जिसका फोन नंबर भी, जो पेशेंट आता है उनका फोन नंबर भी जीरो होते हैं। हमारे असम में छोटे प्रदेश है, लेकिन आज हमारा असम में यही व्यवस्था चल रहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाओ। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का किसी का मन में इच्छा भी नहीं है, तमन्ना भी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ का आम आदमी पार्टी का लोग हमें समझाता है, नहीं नहीं देश में मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। भाई मोदी जी को मोहल्ला क्लिनिक तो बनाएगा नहीं, दिल्ली में जब हमारा सरकार बनेगा हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा, हम मेडिकल कॉलेज बनाएगा, हम मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाएगा। अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं तुरंत आके बोल दिया, नहीं नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। आप कहां से आए हैं? तिहार से। तिहार में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले है? नरेंद्र मोदी डाले है। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। अभी केजरीवाल जी तिहार से आते ही बोला मोदी को 200। मैंने एक जर्नलिस्ट को पूछा ये फीडबैक कहां से मिला इनको, तिहार से ही मिला, किसलिए 52 दिन तिहार में था, टीवी तो नहीं देख रहा है, फोन भी नहीं कर रहा था। उनका जो फीडबैक है तिहार का फीडबैक है। अगर तिहार में मोदी जी 200 मिल रहा है, मतलब बाहर में मोदी जी तो कम से कम 400 सीट मिल ही रहा है ना, है कि नहीं, आप बताइए। तिहार का लोग हमें कम सीट देगा कि ज्यादा सीट देगा? तिहार का लोग तो हमें कम सीट देगा, किसलिए? सारे लोगों को मोदी जी ने जेल में बंद करके रखा है। जेल में बंद करने वाला हमारा दुश्मन भी हमें 200 दे रहा है, मतलब हमारा दोस्त कितना देगा बताइए? दोस्त तो 400 पारी कर देगा। हमारे यहाँ में केजरीवाल जी आया, नहीं नहीं मोदी जी का 75 साल हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो कोई मुझको पूछे, मैं बोला देखिए, जब 52 दिन जेल से कोई रहता है उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है क्या? कम से कम बैटरी चार्ज होने तक तो 15-20 दिन का तो जरूरत होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम भी हॉस्पिटल से भी 7 दिन रुकने का बाद बाहर आता हूं, हमारा भी बैटरी चार्ज होने में कम से कम 20 दिन लगेगा। अभी केजरीवाल जी जेल से 7 दिन रुकने के बाद आया है, जब तक उनका बैटरी चार्ज हो जाएगा तब तक दोबारा जेल चले ही जाएगा, तो उनका मौका कहां मिलेगा ये सब सोचने का कारण। इसीलिए आप देखिए, जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा था तब वो जर्नलिस्ट मुझको ऐसे ऐसे देख रहा था। कल रात शाम को मैं वो जर्नलिस्ट को फोन किया, मैंने बोला ना उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बोले क्यों? आपने देखा नहीं सुबह स्वाति मालीवाल को क्या कर दिया उन्होंने? मतलब आप अभी उसका तरफ आप देखिए मत, मानसिक संतुलन ही खराब होके बैठा हुआ है। और जब तक संतुलन ठीक होगा तब तक दोबारा जेल जाने का समय हो गया। आप देखिए, ऐसे भी वो पेशेंट है जो भी कुछ बोला होगा सभी उल्टा कर देते हैं। पहले बोले नहीं नहीं कांग्रेस खराब है, क्यों खराब है? और परिवार बात करता है। अभी अरविंद केजरीवाल का पीछे पीछे उनका बीबी का नाम आ गया, मतलब वो भी परिवारवादी शुरू कर दिया। पहले बोला नहीं नहीं वो रात वो लोग आलीशान बंगला में रहते हैं, अभी खुद सब रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 करोड़ वाला मकान में रहना शुरू कर दिया। मतलब जो भी वो बोले होगा सब उल्टा करता है। सुबह अन्ना हजारे दुख कर रहा था,
कि हम कम से कम हमारा दिमाग में ये नहीं गया था कि केजरीवाल शराब घोटाला करेगा, बाकी घोटाला करेगा वो तो मेरा दिमाग में था, लेकिन शराब घोटाला करेगा वो मेरा दिमाग में नहीं था, वहां मेरा जजमेंट रॉन्ग हो गया। सुबह सुबह अन्ना हजारे जी एक टीवी में बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी करेगा, वो तो मेरा मालूम था। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया एक ही स्टेज में बैठा हुआ था, मेरा चुप चुप पीछे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का बात शुरू कर दिया, डाउट मेरा तब भी था, लेकिन मेरा डाउट ये नहीं था कि वो लोग घोटाला करेगा वो मेरा मालूम था, लेकिन शराब घोटाला करेगा वो मेरा मालूम नहीं था, वो मेरा एरर ऑफ जजमेंट हो चुका है। भाइयों और बहनों, हमारे दिल्ली हो, भारत हो, आज का दिन में हमें मोदी जी को चाहिए। क्यों मोदी जी को चाहिए? हमारा सामने केजरीवाल एजेंडा नहीं है, हमारा सामने देश का बहुत बड़ा एजेंडा है। हमारा जैसे असम प्रदेश है, हमारा असम प्रदेश में 36% मुसलमान है। आप वहां जाइए, माता का दुख देखिए। अगर आज हमारा कोई हिंदू पत्नी को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा पति तीन तीन शादियां करेगा, और पत्नी का हालत क्या है, आप आपका बेटी को शादी किसी को शादी कराने अनुमति देगा? अगर आपको मालूम है उनका पहले दो बीबी है, हम तो कभी अनुमति नहीं देगा। लेकिन आज हमारा स्थिति क्या है, देश में एक वर्ग को अनुमति है कि मैं तीन तीन शादी कर सकता हूं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारा देश का कानून को बदलना पड़ेगा। 12 साल में लोगों का शादी होता है और 12 साल में बेटी मां बन जाता है। असम में हमने कम से कम 7 से 8 हजार लोगों को पकड़ा जिसका 12 साल में शादी हुआ है। आज का दिन में असम में मैंने 5.5 हजार लोगों को जेल में बंद करके रखा हूं, 12-13 साल का बच्ची को शादी करने का कारण। आज अगर हमारा देश में सुधार नहीं होते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आते हैं, तो हमारा देश में महिलाओं का ऊपर अत्याचार कभी कम नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, उसका बारे में नहीं बोलेगा। किस लिए? उनको तुष्टिकरण का वोट चाहिए। कभी वो ये नहीं बताएगा कि मुस्लिम माताओं का ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए, वो बोलने का उनका हिम्मत नहीं है। कभी वो नहीं बोलेगा कि तलाक बंद हो जाना चाहिए, वो नहीं बताएगा। लेकिन आज मोदी जी का इतना ताकत है, अगर हमारा देश में मोदी जी रहे तो हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्दी ही आ जाएगा, और लोगों को तीन तीन शादी करने वाला दुकान भी बंद हो जाएगा। ये तीन तीन शादी करने वाला दुकान जितना जल्दी बंद हो जाता है, इतना हमारा देश के लिए मंगल है। हमारा स्टेट में जब ऐसा मसला आते हैं तो हम तुरंत यही बताता हूं कि देखिए, तीन तलाक बंद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, मुसलमान समाज के लिए जरूरी है। तीन तीन शादी करने वाला व्यवस्था बंद करना हमारे लिए जरूरत नहीं है, ये आपके लिए जरूरत है। अगर आप मुसलमान के लिए राजनीति करते हो तब हमारा साथ खड़ा हो जाओ, हमारा साथ खड़ा होके अल्पसंख्यक का कल्याण का बारे में सोचो। लेकिन आप सोचना नहीं चाहते, आप वोट बैंक बनाना चाहते हैं, आप वोट बैंक का राजनीति करना चाहते हैं, और मोदी जी को हमें ताकत देना है। ये वोट बैंक का राजनीति करने वाला दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, इसीलिए हमें सब मिलके मोदी जी को ताकत देना है। भाई और बहनों, किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 भी कभी खत्म हो जाना होगा, किसी ने नहीं सोचा था। जब 2019 में हम लोगों ने मोदी जी को वोट डाला था, हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि 2 महीना बाद आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा। आज आप देखिए, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, कल श्रीनगर में चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा वोट श्रीनगर में पड़ा। लास्ट साल पास इलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए श्रीनगर में लोगों ने वोट डाला। किस लिए? लोगों को मालूम पड़ा है कि हमारा देश में, भारत का भी जो विकास है, वो विकास का साथ अगर हम खड़ा रहेगा, हमारा स्टेट का भी विकास होगा। अभी
थोड़ा दिन पहले जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि पीओके से भी दो एमएलए का व्यवस्था रखा अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि पीओके हमारा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके से भी रिप्रेजेंट आना चाहिए। इंडिकेशन क्या है? 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, आगे का इंडिकेशन यही है कि भारत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा पास लाना है। इंडिकेशन क्लियर है। हमारा देश में अभी हमें माहौल बनाना है, हमारा देश में माहौल बनाना है कि वो कश्मीर हमारा है। और आप मोदी जी जैसा योग पुरुष जब देश का प्रधानमंत्री होते हैं, तभी जो हम 10 साल पहले असंभव सोचते थे वही काम 10 साल पहले संभव हो जाता है। अभी माहौल बन चुका है, सारे माहौल बन चुका है। अभी अगर मैं 5 साल पहले बोलता था कि अयोध्या में राम मंदिर होगा, कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन आज जब मैं बोलता हूं कि मथुरा में ईदगाह का जगह में कृष्ण जन्मभूमि का भव्य कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, लोग अविश्वास नहीं करता है। लोगों को मालूम है कि यह संभव है और ये एकदम इजीली इट इज एसीबेबल है, ये संभव है। लोग ये कभी नहीं सोचता है कि मोदी जी का हाथ में कुछ भी नामुमकिन है। लोगों का दिमाग में आ गया है कि भारत के लिए जो भी अच्छा होगा मोदी जी सबका साथ टकराएगा, लेकिन भारत को विश्व गुरु बना के रहेगा। आज ये लोगों का दिल में ये विश्वास आ चुका है। ये जो हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आज इनका अलायंस है। जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी जब जन्म दिया था, क्या बोला था कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हम कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस का साथ अलायंस नहीं करेगा। लेकिन आज देखिए मोदी जी का दर में ये आम आदमी केजरीवाल राहुल गांधी भाई भाई हो गया। परसों दिन में पंजाब में था, काल में पंजाब में था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, दिल्ली में दोस्त है। कल मैंने बोला देखो इतना कोई पॉलिटिकल जिसका कुछ भी फिलोसफी नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है, दिल्ली और पंजाब कितना दूर है। पंजाब में दोनों पार्टी आमने सामने लड़ रहा है, हम दुश्मन है, और दिल्ली में दोनों पार्टी इलू इलू कर रहा है, आई लव यू कर रहा है। अब उनका अब थोड़ा सोचिए ये पार्टी कैसा हो सकता है। पंजाब का लोगों को बोल रहा है कांग्रेस खराब है, और पंजाब का लोगों को कांग्रेस बोल रहा है आम आदमी पार्टी खराब है, आम आदमी को वोट मत देना हमें देना। आम आदमी बोल रहा है कांग्रेस को वोट देना नहीं देना हमें देना, और दिल्ली में दोनों मिलके इलू इलू कर रहे हैं। एक ही है, बहुत दूर भी नहीं है। असम में उल्टा कर रहे, यहां पलटा कर रहे, अलग बात है। दिल्ली और पटना पंजाब का बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हमारा नेबर है। एक राज्य में एक ही साथ वाला स्टेट में बोल रहा है कांग्रेस खराब है, कांग्रेस बोल रहा है आम आदमी खराब है, और यहां दोनों पार्टी एक है। बोले नहीं नहीं मोदी जी को हरवाना है। अरे ये कोई आर्गुमेंट हुआ? आज आप दिल्ली का हालत देखिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ कर रहा है अगर वो करना बंद कर देता है, हमारा दिल्ली का हालत क्या हो सकेगा? दिल्ली का कोई हालत नहीं है, दिल्ली का कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आज अगर आप असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार जो भी स्टेट में जाते हैं 5 साल का बाद, लोग बोलते हैं अरे बहुत चेंज हो गया ये प्रदेश का, इतना विकास हो रहा है। लेकिन आप दिल्ली में आते हो, भारत मंडपम अगर नहीं बनते तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि दिल्ली में कुछ नया हुआ है। किस लिए? ये आम आदमी पार्टी का काम करने का कभी वो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है और काम करने का उनका मनसा भी नहीं है। इसीलिए ये चुनाव को आप लोग लोकसभा मत सोचिए, ये चुनाव हमारे सेमीफाइनल है। मोदी जी को तो आप 7 सीट देने वाला है ही, आगे भी दिया है, इस बार भी देगा, लेकिन लोकसभा का बाद आप लोग रेस मत लीजिए। हमारा जो आधा अधूरा काम विधानसभा में करना है उसको भी एक साथ साफ कर दीजिए। लोकसभा में तो आप लोग 7 सीट देने वाला है ही मोदी जी को, बट उधर आप विश्राम मत कीजिए। लोकसभा का रिजल्ट जो दिन डिक्लेयर हो जाएगा आप लोग रेस मत लीजिए,
नया संकल्प लेके विधानसभा के लिए शुरू हो जाइए। किस लिए? हमारा लक्ष्य डबल इंजन सरकार बनाना है, लोकसभा में भी जीतना है, विधानसभा में भी जीतना है, और ये जीतना पक्का है। दिल्ली में पूरा माहौल है, कोई सोचने का बात नहीं है। लोगों का सामने जब आप सब कुछ देख रहा है, आप घोटाला भी करते हो और आप ही बोलता है कि दूसरा लोग भ्रष्ट है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि जो आदमी भ्रष्टाचार का मामले में जेल जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेल नहीं देता है, और दूसरा लोगों को बोलता है कि तुम भ्रष्ट हो। इतना भयंकर, इतना आप इतना धोखाबाजी राजनीति करने वाला व्यक्ति शायद केजरीवाल का सिवा भारत ने किसी को जन्म ही नहीं दिया है। इतना बेशरम है, खुद का ऊपर करप्शन का चार्ज है और सारे लोगों को बोलता है तुम करप्ट है, तुम करप्ट है, तुम करप्ट है। अरे जेल हम है कि तुम है? जेल तुम गया है कि हम गया है? आज सबको बोलेगा तुम करप्ट है, लेकिन और कहां से बोलेगा? तिहार जेल से बाहर आके बोलेगा सब करप्ट है, और 20 दिन का बाद कहां जाना है? दोबारा मुझको ही जेल में ही जाना है। इतना कहीं आप सोचिए, अगर कोई सीएम को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखो आपको मैंने बेल दे दिया, लेकिन आप आपका ऑफिस नहीं जा सकते हो। अरे आपको हमने बेल दे दिया, लेकिन आप किसी को मिल नहीं सकते हो, कोई अधिकारी को नहीं मिल सकते हो। आपको हमने बेल दे दिया, लेकिन 20 दिन का बाद दोबारा लौट के आना है। कोई इज्जतदार आदमी और बेल लेगा क्या? बताइए, क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसा कंडीशन लेके मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा। आप जब मुझको बाहर करना है परमानेंटली कीजिए, नहीं तो इधर में हमको रहने दीजिए। लेकिन आप ये सब करने के लिए, इतना बेशर्मी से भी पॉलिटिक्स करने के लिए हिम्मत चाहिए, और केजरीवाल में वो हिम्मत है। अगर बेशर्मी का कोई कंपटीशन हो जाता है, आप उनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल देना पड़ेगा, आप सीधा उनको गोल्ड मेडल देना पड़ेगा। भाई इतना आप जेल से निकाला है, बाकी सब लोगों को बोल रहे ये भी ब्रॉस दे, ये भी ब्रॉस दे, ये भी ब्रॉस दे, और जानते हुए भी कि 1 तारीख मुझको दोबारा लौट के उधारी जाना है। लोग राम मंदिर जाता है, केजरीवाल तिहार जाएगा। आपको पक्का है उधारी आपको जाना है, फिर भी आप बोलते हैं सारे लोग ब्रॉस दे। अभी बीजेपी का मीटिंग में आप लोग आए हैं, अरे बीजेपी का लक्ष्मी नगर मीटिंग में लोग हुआ था, नहीं नहीं सारे भ्रष्ट लोग बैठा हुआ था, एक सब में बोल देगा। अरे भाई आप कौन सा महापुरुष है? अपना बारे में कोई व्यक्ति ऐसा बात कर सकता है? ऐसा लोग भारत माता ने और किसी को जन्म नहीं दिया। ये एक सैंपल पीस है, ये भी रिसर्च करने वाला पीस है। इस पीस को चुनाव का बाद हो कभी हो, इस पीस को पूरा रिसर्च करने वाला पीस है कि इतना लोग बेशर्म कैसे हो सकता है। कोई भी इतना बेशर्म नहीं हो सकता है। अगर मैं हिंदी सही बोल रहा हूं तब इतना बेशर्म कोई भी नहीं हो सकता है। मैं जेल से निकाल के आया हूं, मुझको जेल में जाना है, और दुनिया भ्रष्ट है, मैं ही गंगा मां हूं। आप सोचिए ऐसा सिचुएशन है दिल्ली का और सरकार का। मेरा विश्वास है मोदी जी को भी जिताइए, लेकिन ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। दिल्ली सरकार हमें बनाना है, दिल्ली में बीजेपी सरकार बना के दिल्ली को हमें एक जो दिल्ली का अपना राइटफुल प्लेस है, उधर हमें दिल्ली को लेके जाना है। मेरा विश्वास है आप लोग का जो उत्साह है, आप लोग का उमंग है, हर सीट तो जीतेगा ही, लेकिन आप लोग एकदम मत रेस लीजिए। बूथ का कार्यकर्ता से मंडल से जिला तक काम करते रहिए। हमारा लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बनाऊंगे ही, दिल्ली में भी अगली बार सरकार बीजेपी का होना पड़ेगा। वही संकल्प से आप लोग आगे बढ़िए, पूरा देश का बीजेपी आप लोगों का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।